नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। बिग बॉस में बिहार से आए दीपक ठाकुर अपने देहाती अंदाज से सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। कभी अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी से तो कभी लोगों को खूब गुदगुदाने की वजह से ये मासूम से दिखने वाला लड़का सबके दिलों में जगह बना चुका है। लेकिन दीपक ने ऐसा क्या कर दिया कि छोटे पर्दे की बहू दीपिका रोने लगी? बिग बॉस में क्यों छलके दीपिका के आंसू? जी हाँ, ससुराल सिमर का से लाइमलाइट में आने वाली अपनी एक्टिंग से पूरे हिंदुस्तान को रुलाने वाली दीपिका आखिरकार बिग बॉस के घर में क्यों रोई? बता दें, दीपिका के रोने की वजह रहा शरीफ और शान से दिखने वाला दीपक ठाकुर। चलिए हम आपको बताते हैं दीपिका के रोने की वजह। दरअसल दीपक ठाकुर को गाने गाने का काफी शौक है। जब उन्होंने बिग बॉस में एंट्री ली थी तब भी वो गुनगुनाते हुए ही घर में आए थे। बता दें, इससे पहले अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में दीपक अपना सिंगिंग टैलेंट दिखा चुके हैं। दीपक की सिंगिंग के बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी दीवाने हैं। घर वालों के कहने पर दीपक ने घर में दोबारा गाना गाया और जो गाना उन्होंने गाया वो बॉर्डर मूवी का फेमस सॉन्ग संदेश से आते हैं, जिनको सुनकर किचन में खड़ी दीपिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। बिग बॉस 12 का ये अनसीन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दीपिका गाने को सुनने के बाद दीपक से कहती हैं कि कोई दूसरा गाना गाओ, ये बड़ा ही सिचुएशनल गाना था। इसके बाद दीपक चौंक कर उनकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि आप रो क्यों रही हैं? टीवी की ये फेवरेट बहू लाख छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने आंसू छुपा नहीं पाती और रो पड़ती है। दीपिका कहती है, मैं काफी इमोशनल हूँ, कुछ याद आ गया था, दीपक ने गलत गाना गा दिया। बता दें, दीपिका को रोता देख बिग बॉस के कंटेस्टेंट उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगे और दीपक को दीपिका के लिए कोई इंटरटेनिंग गाना गाने को कहा। इस पर दीपक ने दीपिका को हंसाने के लिए सनी लियोन का लैला और लैला सॉन्ग गाने लगे, जिसको सब सुनकर हंसने लगे। रोने और रुलाने का सफर तो बिग बॉस में पुराने सीजन से चला आ रहा है। देखना अब ये है कि इस सीजन में कौन किसको रुलाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।